अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज़ अबाउट सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन। इससे प्रीवियस लेक्चर में भी हमने सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन को डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम इसको कुछ एग्जांपल्स, फर्दर एग्जांपल्स देखते हैं और देखते हैं कि आपके पास एसटीटी को किस तरह से डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स के लिए यूज़ किया जा सकता है और डिफरेंट कंडीशंस के लिए भी आप एसटीटी को यूज़ कर सकते हैं। तो इसे प्रीवियस लेक्चर में हमने एसटीटी को डिटेल में डिस्कस किया था, उसके साथ ही हमने सिमेंटिक एक्शंस को डिस्कस किया था और हमने डिफरेंट एग्जांपल्स भी देखी थी जिसके थ्रू हमने देखा था कि किस तरह से आप एसटीटी को यूज़ कर सकते हैं फॉर डिफरेंट सिमेंटिक एनालिसिस। यहाँ पे एक एग्जांपल को देखते हैं। ये एक एग्जांपल है जिसमें आपके पास एक एसटीटी गिवन है और इसमें आपके पास प्रोडक्शन रूल्स भी हैं और उसके साथ कुछ आपके पास सिमेंटिक प्रोडक्शंस भी हैं या सिमेंटिक इंस्ट्रक्शंस भी हैं। पहले ज़रा इसको समझते हैं कि ये किस तरह के प्रोडक्शंस हैं। अगर आप देखें तो हम सबसे पहले एफ कैन रिप्लेस विद आईडी से स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रोडक्शन के अगेंस्ट जो आपको सिमेंटिक एक्शन गिवन है वो कुछ इस तरह से है, एफ डॉट एन पी टी आर इज इक्वल टू एम के नोड नल आई डी डॉट वैल्यू और नल। इसका मतलब ये है कि जब भी आपके पास आप आई डी को रिड्यूस करेंगे विद f, तो आपका जो सिमेंटिक एक्शन होगा उसमें आपने एक नोड बनानी है, जिस तरह आप डाटा स्ट्रक्चर में एक नोड बनाते हैं, और उस डाटा उस जो नोड है उस नोड में आपके पास तीन एट्रीब्यूट्स होंगे या तीन वैल्यूज होंगी। एक आपके पास पॉइंटर होगा, लेफ्ट पॉइंटर, और एक आपके पास राइट पॉइंटर, और एक आपके पास उसमें वैल्यू होगी। तो जब आपके पास एफ कैन बी रिप्लेस विद आईडी होगा तो आपने जो नोड बनानी है उसमें जो वैल्यू होगी, जो उसका सिंबल वैल्यू है, वो आपके पास आईडी की वैल्यू होगी और उसके लेफ्ट और राइट पॉइंटर्स दोनों नल होंगे। और जो भी आपके पास उस नोड का एड्रेस होगा या नोड का पॉइंटर होगा वो वैल्यू आप असाइन करेंगे एफ को। इसी तरह से टी कैन बी रिप्लेस विद एफ, तो इसका मतलब यह है कि एफ का जो भी एड्रेस होगा वो एड्रेस टी को असाइन हो जाएगा, यानी एफ का पॉइंटर आप टी को असाइन करेंगे। इसी तरह से जो थर्ड प्रोडक्शन है, टी कैन बी रिप्लेस विद टी वन मल्टीप्लाई बाई एफ। इसमें जो टी वन है वो एक्चुअली टी ही है, यानी ये अगर आप इस प्रोडक्शन को देखें तो ये प्रोडक्शन इस तरह से है, टी कैन बी रिप्लेस विद टी मल्टीप्लाई बाय एफ। ये सिर्फ डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने टी वन लिखा है कि हमें पता चले कि ये क्या राइट साइड वाला टी है या लेफ्ट साइड वाला टी, तो सिर्फ इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए यहाँ पर टी वन लिखा गया है। तो इसके अगेंस्ट जो आपके पास सिमेंटिक रूल है या सिमेंटिक एक्शन है वो ये कह रहा है कि आपने एक नोड बनानी है और उस नोड की जो वैल्यू होगी डेट विल बी मल्टीप्लिकेशन, और उसका जो लेफ्ट पॉइंटर है वो टी वन का पॉइंटर होगा और राइट पॉइंटर जो है वो एफ का पॉइंटर होगा, यानी लेफ्ट साइड टी वन को पॉइंट कर रही होगी और राइट साइड एफ को पॉइंट कर रही होगी, और इस पूरी नोड का जो एड्रेस होगा वो एड्रेस आप टी को असाइन करेंगे। इसी तरह से जो सेकंड प्रोडक्शन है उसमें आपके पास सिमेंटिक रूल ये डिफाइन कर रहा है कि जो भी टी पॉइंटर की वैल्यू है वो वैल्यू आप ई पॉइंटर को असाइन कर देंगे। और जो फर्स्ट प्रोडक्शन है उसमें भी ई वन है, ई वन अगेन ई ही है, जिस तरह से ई कैन बी रिप्लेस्ड विद ई प्लस टी। हमने सिर्फ इसको वन इसलिए लिखा है ताकि हमें डिस्टिंग्विश कर सकें कि ये राइट साइड वाला ई है या लेफ्ट साइड वाला ई है। तो इसमें भी आपके पास एक नोड बनेगी, उस नोड की वैल्यू प्लस होगी और उसका जो लेफ्ट पॉइंटर है वो ई वन को पॉइंट करेगा यानी ई को पॉइंट करेगा, और उसका जो राइट पॉइंटर है वो टी को पॉइंट करेगा, और इस नोड का जो एड्रेस है वो एड्रेस असाइन होगा टू ई। तो ये आपके पास एक ग्रामर है और उसके डिफरेंट सिमेंटिक रूल्स हैं। तो अगर आपके पास एक इनपुट हो टू प्लस थ्री मल्टीप्लाई बाय फोर, तो इस इनपुट को आप एक तो सिमेंट एक पार्सर
ट्री बना के आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्पार्स ट्री को हम बेसिकली कंक्रीट पार्स ट्री भी कहते हैं। इसमें अगर आप देखें तो आपके पास सारे एट्रीब्यूट्स हैं, आपके पास मिडल जो भी वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ आ रही हैं, और आखिर में आपके पास जो टर्मिनल सिंबल्स हैं वो टर्मिनल सिंबल्स आ रहे हैं। अब अगर इसमें देखें तो आपके पास जो डाटा स्ट्रक्चर है इसको सेव करने के लिए वो बड़ा डाटा स्ट्रक्चर चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट्स जो हैं वो रिप्रेजेंट हो रहे हैं। इसी ट्री को, यानी जो आपके पास 2+3 मल्टीप्लाई बाय 4 है, इसी को हम एक और फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसमें आपके पास कम नोड्स होंगी। जैसे अगर आप देखें तो हम कहते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 4, आपके पास एक ये है और उसके बाद आपके पास जो प्लस है वो है +2। तो अगर आप देखें तो प्लस क्योंकि हायर लेवल पे है तो इसकी प्रेसिडेंस लो है, और मल्टीप्लाई लोअर लेवल पे है तो इसका मतलब है पहले 3 और 4 मल्टीप्लाई होंगे और उसके बाद आपके पास ये 2 से ऐड होगा। तो ये जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है इसको हम कहते हैं AST, एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री। और ये जो आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ जो ट्री जनरेट हो रहा है इसको हम कहते हैं CST, कंक्रीट सिंटैक्स ट्री। तो अब हम इसको ज़रा चेक करते हैं कि आपके पास ये जो इनपुट है 2+4 मल्टीप्लाई बाय 3, इसको ज़रा देखते हैं कि ये किस तरह से आपके पास काम कर रही है। 3 मल्टीप्लाई बाय 4+2, आपको पता है ये जो वैल्यू है, सबसे पहले आप लेफ़्ट से स्टार्ट करेंगे और आपके पास जो पहली रिडक्शन हो रही है वो रिडक्शन है ID कैन बी रिड्यूस विद F, यानी ये आपके पास ये वाली रिडक्शन हो रही है। तो इस रिडक्शन को अगर आप देखें तो इसमें जो सिमांटिक रूल है वो आपको ये कह रहा है कि आपने एक नोड बनानी है, उस नोड के राइट और लेफ्ट दोनों पॉइंटर को आपने नल रखना है, और उस नोड की जो वैल्यू होगी वो आपने जो भी ID की वैल्यू है वही वैल्यू आपने इसे साइन करनी है। तो इसमें अगर आप देखें तो आपने एक नोड बनाई है, उस नोड के लेफ्ट और राइट पॉइंटर दोनों को आपने नल रखा है, और उसकी जो वैल्यू है जो भी ID की वैल्यू है डेट इज़ 2, तो वही वैल्यू आपने उसको असाइन की है। उसके बाद अगर आप देखें तो ये जो नोड बन रही है, ऑब्वियसली जब आप ये नोड बनाएंगे डेटा स्ट्रक्चर्स में तो इस नोड का कोई ना कोई एड्रेस होगा, वो एड्रेस आपने F को असाइन करना है। लेट्स से इसका एड्रेस है 89FX, ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि मेमोरी में इसका एड्रेस 89FX है, तो यही एड्रेस असाइन हो जाएगा F को। आप देख सकते हैं F को असाइन हो चुका है। अब आप फर्दर देखें तो F जो है फर्दर रिड्यूस हो रहा है T के साथ, तो F कैन बी रिड्यूस विद T। तो यहाँ पे जो सिमेंटिक रूल है वो ये बता रहा है कि जो भी F पॉइंटर की वैल्यू है वही वैल्यू T को असाइन हो जाए। F की वैल्यू 89FX है तो यही वैल्यू T को असाइन हो जाएगी। इसके बाद T जो है वो फर्दर रिड्यूस हो रहा है E के साथ, तो जो भी T की वैल्यू है, T पॉइंटर की वैल्यू, वही वैल्यू E को असाइन होगी। यहाँ पे आपके पास E की वैल्यू असाइन हो चुकी है। अब जो नेक्स्ट आपके पास रिडक्शन हो रही है वो आपके पास ID की हो रही है, इस ID को आप रिड्यूस कर रहे हैं विद F। अगेन अगर आप F की प्रोडक्शन देखें तो F कैन बी रिप्लेस विद ID। ये प्रोडक्शन कह रही है कि आपने एक नोड बनानी है, उस नोड के लेफ्ट और राइट पॉइंटर दोनों को आपने नल रखना है, और जो ID की वैल्यू है वो आपने इसकी वैल्यू रखनी है। तो आपने एक नोड बनाई, उसके लेफ्ट और राइट पॉइंटर दोनों नल रखे, और उसको वैल्यू साइन की 3, क्योंकि ID की वैल्यू 3 है, यहाँ पर ID की वैल्यू 4 होगी। और ऑब्वियसली इसका जो भी एड्रेस होगा वो एड्रेस आपने साइन करना है F को। लेट्स से इसका एड्रेस है 99FX, तो यही एड्रेस असाइन हो जाएगा F को 99FX। उसके बाद F जो है वो दोबारा रिड्यूस हो रहा है विद T, F इज रिड्यूस विद T, तो जो भी F की वैल्यू है वो T को असाइन हो जाएगी 99FX। और उसके बाद आपके पास जो लास्ट रिडक्शन हो रही है यहाँ पे वो हो रही है ID इज रिड्यूस विद F,
तो यहाँ पे आईडी की वैल्यू चूंकि 4 है, तो आपके पास जो सिमेंटिक रूल है वो आपको बता रहा है कि आपने एक नोट बनानी है जिसकी वैल्यू आपने 4 रखनी है और उसके दोनों लेफ्ट और राइट पॉइंटर्स दोनों को आपने नल रखना है, और उसका जो भी एड्रेस होगा वो एड्रेस आपने एफ को असाइन करना है। लेट्स से इसका एड्रेस है 110 एफ एक्स, तो यही एड्रेस एफ को असाइन हो जाएगा। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट रिडक्शन हो रही है वो आपके पास है टी कैन बी रिड्यूस विद टी मल्टीप्लाई बाय एफ, यानी यहाँ पे ये टी मल्टीप्लाई बाय एफ टी के साथ रिड्यूस हो रहा है। अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो है टी मल्टीप्लाई बाय एफ ये टी के साथ रिड्यूस हो रहा है, तो आपके पास ये जो प्रोडक्शन है इस प्रोडक्शन को आपने देखना है कि ये प्रोडक्शन किस तरह से काम कर रही है। तो ये प्रोडक्शन आपको कह रही है कि आपने एक नोट बनानी है, उस नोट की जो वैल्यू है वो आपके पास स्टार होगी और उसका जो लेफ्ट पॉइंटर है वो टी वन का पॉइंटर होगा। टी वन का पॉइंटर यहाँ पे 99 एफ एक्स है और उसका जो राइट पॉइंटर है वो है एफ पॉइंटर, और यहाँ पे जो एफ पॉइंटर है वो 110 एफ एक्स है। तो इसका मतलब है आपने एक नोट बनानी है, उस नोट की वैल्यू होगी स्टार, उसका जो लेफ्ट पॉइंटर है वो 99 एफ एक्स होगा और उसका जो राइट पॉइंटर है वो 110 एफ एक्स होगा। तो अगर आप देखें तो ये जो नोड है बेसिकली लेफ्ट पॉइंटर ये इस नोड को पॉइंट कर रहा है और ये जो राइट पॉइंटर है ये 4 वैल्यू वाली नोड को पॉइंट कर रहा है। तो आपके पास इसकी वैल्यू लेट से 120 आपके पास इसका एड्रेस है, तो यही 120 एड्रेस साइन हो जाएगा टी को। अब देखें तो ये बेसिकली इन दो डिफरेंट नोड्स को पॉइंट कर रहा है। उसके बाद आपके पास जो लास्ट रिडक्शन है वो ई की रिडक्शन है, और ई कैन बी रिप्लेस विद ई प्लस टी। तो अगर आप देखें ई प्लस टी की जो आपके पास सिमेंटिक एक्शन है वो ये कह रहा है कि आपने इसमें एक नोड बनानी है जिसकी वैल्यू होगी प्लस और उसका लेफ्ट पॉइंटर होगा ई और उसका राइट पॉइंटर होगा टी। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे जो राइट पॉइंटर है वो है 120 एफ एक्स और लेफ्ट पॉइंटर है 89 एफ एक्स, तो आपकी जो नोट बनेगी उसका राइट पॉइंटर 120 और लेफ्ट पॉइंटर 89। ऑब्वियसली ये आपके पास ये डिफरेंट नोट्स को पॉइंट कर रहा है और इसका अपना जो एड्रेस है वो लेट से 130 एफ एक्स है, तो ई को जो वैल्यू साइन होगी डेट विल बी 130 एफ एक्स। तो अगर आप इसको थोड़ा सा इमेजिन करें तो आपके पास ये जो ए एस टी था एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री, यही ए एस टी आपके पास एक कंप्लीट डेटा स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट हो रहा है। तो यही जो डाटा स्ट्रक्चर है वो आपके इस ए एस टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि आप एस टी टी के थ्रू डाटा स्ट्रक्चर्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई डाटा स्ट्रक्चर्स भी बना सकते हैं, आप कोई भी इंस्ट्रक्शन एस टी टी के थ्रू एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसको हम एक और सिंपल एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम देखते हैं कि किस तरह से एस टी टी के थ्रू आप टाइप चेकिंग करेंगे। टाइप चेकिंग का मतलब यह है कि जब भी आपके पास कोई ऑपरेशन परफॉर्म होता है, लेट्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐड हो रहा है या कोई बूलियन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो आपके पास जो रिजल्टेंट जो आपके पास रिजल्ट होता है उस रिजल्ट की कोई ना कोई टाइप होती है। यहाँ पे हम एक सिंपल टाइप चेकिंग देख रहे हैं जिसमें हम ये कह रहे हैं कि आपके पास इस ग्रामर में दो टाइप के वेरिएबल्स हैं, एक आपके पास नंबर है और एक आपके पास बुलियन वेरिएबल है। तो इसमें अगर आप देखें तो जो ई है ई आपके पास फॉल्स हो सकती है, यानी इसका ई जो है ट्रू हो सकता है जिसका वो बुलियन है, ई जो है वो कोई नंबर हो सकता है, ई जो है वो कोई ब्रैकेट के अंदर एक एक्सप्रेशन हो सकती है, एक जो एक्सप्रेशन है वो एवेल्युएशन हो सकती है, और इसके अलावा ई जो है वो आपके पास दो नंबर्स का एडिशन हो सकता है, यानी एक्सप्रेशन हो सकती है विद एडिशन। तो अगर आप इसमें देखें तो आपके पास जो फॉल्स का जो आपके पास ई कैन बी फॉल्स, तो यहाँ पे जो ई की टाइप होगी वो होगी बुलियन। हम ये कह रहे हैं कि जब भी ई की वैल्यू फॉल्स होगी तो हम ई की जो टाइप रखेंगे वो बुलियन रखेंगे, ई की जब वैल्यू यानी एक्सप्रेशन की वैल्यू ट्रू होगी तो हम उसकी टाइप बुलियन रखेंगे, और जब एक्सप्रेशन कोई नंबर होगा तो उसकी जो टाइप होगी वो इंटीजर होगी, और जब आपके पास एक्सप्रेशन ब्रैकेट्स के अंदर होगी तो जो भी इस ई वन की टाइप होगी वही आपके पास ई की टाइप होगी। और इसी के साथ अगर आपके पास एक्सप्रेशन एवेल्युएट हो रही है
ई वन इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यूएशन हो रही है, अगेन ये आपके पास ई वन ई टू ई ई है, ये ई वन ई टू सिर्फ हमने इसलिए लिखा है ते ताकि हम डिस्टिंग्विश कर सकें कि लेफ्ट साइड पे कौन सा ई है और राइट साइड पे कौन सा ई है। तो यहाँ पे जो सिमेंटिक रूल वो ये डिफाइन कर रहा है कि अगर ई वन की टाइप और ई टू की टाइप दोनों टाइप सेम है, चाहे वो इंटीजर है या बुलियन है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ यहाँ पे दो ही टाइप के वेरिएबल यूज हो रहे हैं, इंटीजर या बुलियन, अगर ये दोनों सेम है और ई वन की जो टाइप है वो इंटीजर है या बुलियन है, तब हम जो ई की टाइप है उसको हम कहेंगे ये बुलियन है, अदरवाइज ये एरर होगा। इसी तरह से जब आप दो एक्सप्रेशंस को ऐड कर रहे हैं तो उसकी जो टाइप है वो किस तरह डिटरमिन होगी, अगर ई की वन की टाइप और ई टू की टाइप दोनों सेम है और ई वन की टाइप जो इंटीजर है तो हम उसे कहेंगे इंटीजर, अदरवाइज ये एक एरर होगा। इसको हम जरा देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे वैल्यूएशन होगी। लेट्स से आपके पास एक इनपुट है ब्रैकेट स्टार 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। हम देखते हैं कि आपके पास ये जो इनपुट है, इस इनपुट को जब हम इस एसटीटी पे रन करेंगे तो हमारे पास जो अल्टीमेट टाइप ऑफ वेरिएबल है वो क्या होगी, ये इसका एक पार्स ट्री है, कंक्रीट पार्स ट्री है, और इस पर हम जरा देखते हैं किस तरह से आपके पास चीज़ें यहाँ पे नंबर है, नंबर 2, 3 एंड 8। तो सबसे पहले जब आप इसकी लेफ्ट टू राइट पार्सिंग स्टार्ट करेंगे तो जो आपके पास पहली रिडक्शन हो रही है वो है ई कैन बी रिप्लेस विद नंबर, यहाँ पे नंबर की वैल्यू 2 है। तो अगर आप यहाँ पे देखें ई कैन बी रिप्लेस विद नंबर, तो यहाँ पे जो आपके पास सिमेंटिक रूल है वो ये कह रहा है कि जो ई की टाइप है वो इंटीजर होगी, तो हम यहाँ पे ई की टाइप इंटीजर रखेंगे। उसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट रिडक्शन हो रही है, प्लस की रिडक्शन नहीं होगी, यहाँ पे अगेन नंबर की रिडक्शन हो रही है और अगेन वही आपके पास प्रोडक्शन है ई कैन बी रिप्लेस विद नंबर। यहाँ पे नंबर की वैल्यू 3 है, लेकिन हम क्योंकि सिर्फ टाइप पे कंसंट्रेट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे टाइप के जो आपके पास सिमेंटिक रूल है उसको देखेंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ई की टाइप जो है वो इंटीजर है, तो ई की यहाँ पे जो टाइप होगी डेट विल बी इंटीजर। और उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट रिडक्शन है वो बेसिकली ई प्लस ई की है, यहाँ पे अगर आप देखें तो जो ई है ये ई आपके पास रिड्यूस हो रहा है ई प्लस ई के साथ। तो अगर आप ई प्लस ई की सिमेंटिक्स को देखें तो ई प्लस ई कह रहा है कि अगर ई टाइप इज इक्वल टू ई टू टाइप, यानी इस ई की टाइप और इस ई की टाइप दोनों सेम है, यहाँ पे अगर आप देखें तो दोनों सेम है, दोनों इंटीजर्स हैं, और ई वन की टाइप जो है वो इंटीजर है, अगर आप देखें तो ई वन की टाइप इंटीजर है, तब आप इसे कहेंगे इंटीजर, यानी इस ई की वैल्यू टाइप इंटीजर होगी, अदरवाइज ही एरर होगा। तो चूंकि ये दोनों कंडीशंस मीट कर रही हैं तो इसका मतलब ये है इस ई की टाइप भी इंटीजर होगी। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट रिडक्शन है वो बेसिकली ब्रैकेट स्टार्ट कैपिटल ई और ब्रैकेट क्लोज, यानी आपके पास ये जो आपके पास प्रोडक्शन है ये प्रोडक्शन यहाँ पे यूज़ हो रही है, और यहाँ पे सिंपल आपके पास जो सिमेंटिक रूल है वो ये कह रहा है कि जो भी ई वन की टाइप होगी वही टाइप ई की होगी। अगर आप यहाँ पे देखें तो ई वन की जो टाइप है वो इंटीजर है, तो यही वैल्यू यही जो टाइप है वो जो इसके साथ आप उसको रिड्यूस कर रहे हैं वही टाइप इसकी होगी, डेट इज़ इंटीजर। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट रिडक्शन है वो आपके पास नंबर की रिडक्शन हो रही है विद ई, तो अगर आप नंबर की रिडक्शन विद ई देखें तो आपके पास ई की जो टाइप है वो इंटीजर है, तो हम ई की टाइप इंटीजर रखेंगे। उसके बाद आपके पास जो लास्ट रिडक्शन है वो है इंटीजर इज इक्वल टू इंटीजर या ई इज इक्वल टू ई, तो अगर आप ई इज इक्वल टू ई को देखें तो आपके पास यहाँ पे जो प्रोडक्शन है जो सिमेंटिक रूल है वो ये डिफाइन कर रहा है कि अगर ई की टाइप ई की टाइप के बराबर है, यानी ये दोनों ई जो हैं इनकी टाइप सेम है, यहाँ पे अगर आप देखें तो दोनों की टाइप इंटीजर है, इसका मतलब सेम है, एंड ई वन टाइप इज इक्वल टू इंटीजर आर बुलियन, यानी ई वन की टाइप जो है या तो इंटीजर हो या बुलियन, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इंटीजर है, उसका मतलब ये कंडीशन भी ट्रू है, देन ई टाइप इज बुलियन, तो हम इस ई को बुलियन वैल्यू असाइन करेंगे, अदरवाइज हम इसे कहेंगे इट्स अ फॉल्स। तो अगर आप देखें तो इसमें दोनों कंडीशन ट्रू हो रही हैं, ई वन की टाइप और ई टू की टाइप दोनों की टाइप सेम है, इन दोनों की टाइप इंटीजर है,
और e1 की टाइप जो है वो बुलियन है, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन वो कह रही है कि e1 की टाइप या तो बुलियन हो या इंटीजर हो, तो e1 की टाइप इंटीजर है, ये कंडीशन भी ट्रू है। तो जब दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो हम e को जो वैल्यू जो टाइप असाइन करेंगे डैट विल बी बुलियन टाइप। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे e की वैल्यू, e की जो टाइप है डैट विल बी बुलियन। अगर यहाँ पे कुछ यहाँ पे कंडीशन मैच नहीं करेगी तो हम यहाँ पे फॉल्स या इसको एरर डिनोट करेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हम जो आपके पास एसटीटी है इसके थ्रू टाइप को भी चेक कर सकते हैं, इसके डेटा स्ट्रक्चर्स भी डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो भी आपने कंडीशन, जो भी इंस्ट्रक्शन, जो भी सिमेंटिक्स आपने अप्लाई करने हैं वो आप सिमेंटिक्स में लिखेंगे और यहाँ पे आपके पास सिंपल ग्रामर होगा। थैंक यू सो मच।